वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो देख सकते हैं आप गाइस, यहाँ पे मैंने जो है 4 LEDs यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो इन 4 LEDs को हम ब्लूटूथ की मदद से ऑन ऑफ करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ का कार्ड भी मैंने लगा दिया है। ओके सो ये कार्ड है और इस मोबाइल से जो है मतलब एक रिमोट की तरह काम करेगा। ऑन ऑफ कैसे कराते हैं सो देख सकते हैं आप। 4 LEDs कनेक्ट की हुई है, एक आर्डिनो है और आर्डिनो को पावर देने के लिए मैंने एक अडेप्टर से 5 वोल्ट का अडेप्टर है, तो जिसकी मदद से हम इस आर्डिनो को और इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को भी पावर देते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको मोबाइल कनेक्ट करके एक बार दिखा देता हूँ। ओके सो गाइस देख सकते हैं आप, 4 LEDs है और देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 स्विचेस है। ओके तो ये मुझसे ब्लूटूथ ऑन करने की परमिशन मांग रहे हैं, तो चलिए यस कर देता हूँ यहाँ पर। ओके यहाँ पर हमारा ब्लूटूथ ऑन हो गया। तो इस ब्लूटूथ का जो नाम है वो है HC05। ओके तो इस पर मैं कनेक्ट टिक कर देता हूँ, देख सकते हैं आप कनेक्टिंग हो रहा है। ओके सो अभी हो जाएगा ये कनेक्ट। सो गाइस ये यहाँ पे जो है कनेक्ट हो चुका है। ओके सो चलिए देख सकते हैं वहाँ पे LED ऑन हो गई। चलिए अभी दूसरी वाली भी कर देता हूँ, तो देख सकते हैं आप। ओके सो तीसरी वाली भी यहाँ पे कर देता हूँ, देख सकते हैं आप। ओके सो कुछ इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से जो है यहाँ पे वर्क करता है। सो देख सकते हैं आप गाइस। सो अभी यहाँ पे जो है ये छोटी LEDs यहाँ पे ऑन ऑफ हो रही है, लेकिन आप इससे बड़े बड़े जो हमारे घर में जो बल्ब्स है या फिर फैन है, सीलिंग फैन, उससे वो भी आप इससे ऑन ऑफ करवा सकते हैं। ओके जो हमारे 230 वोल्ट के जो बल्ब्स रहते हैं उसको भी आप ऑन ऑफ यहाँ पे करवा सकते हो। ओके सो अगर आप मुझे कमेंट कर देते हो तो वो कैसे बनाते हैं उसका भी मैं वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे। सो देख सकते हैं आप, पहले एक आर्डिनो है और ऐसे ये देखो ये कितना है, 4 चैनल का ही। ओके तो ऐसे मैं यहाँ पर 12 चैनल्स भी बना सकता हूँ क्योंकि इसमें डिजिटल पिन 12 है। ओके सो चलिए अभी मैं आपको कुछ और भी इसके बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ओके सो देख सकते हैं आप गाइस, ये कुछ इस तरीके से पीछे से भी देखो, यहाँ पे मैंने इसको सोल्डर किया हुआ है, इस आर्डिनो को। ओके सो यहाँ पे जो है ये, सो गाइस इस आर्डिनो को पावर देने के लिए आपको जो है ऐसी केबल की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ओके सो आपको अगर आप ये जो है ये सिर्फ इसमें प्रोग्राम डालने के लिए ही यूज़ होता है और इसे पावर देने के लिए। ओके लेकिन जब आप इसमें प्रोग्राम डालते हो और आप उसे इससे नहीं चलाना चाहते, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2 पिंस दी गई है, देख सकते हैं आप, ग्राउंड और वी इन। ओके तो इसकी मदद से मतलब ये ग्राउंड है और ये वी इन है, मतलब आप इसमें जो है ऐसी 9 वोल्ट की बैटरी भी कनेक्ट करवा सकते हैं और उससे जो है ये पूरा चला सकते हैं। ओके और ये ब्लूटूथ मॉड्यूल है जो मैंने अलग से इसमें लगा दिया है। और गाइज इससे जो है आप ऐसे बड़े बड़े जो 230 वोल्ट के हमारे घर में लाइट्स है इसको भी आप ऑन ऑफ करवा सकते हो। ओके सो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।